नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका अपने चैनल डू अ डाई फॉर स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट इन वर्ड जीके इन हिंदी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि वर्ड में फर्स्ट टाइम क्या क्या हुआ, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। विश्व में प्रथम, तो जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने लगभग 17 दिन अंतरिक्ष उड़ान में बिताए थे, उनका नाम था एंड्रिन निकोलाई मिल्ट्री सेवास्तिनो सोयुज 9 जून 1970। अगला टॉपिक है, जो ये पॉइंट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो थी श्रीमती एस भंडार नाइके, जो कि श्रीलंका की थी। अगला पॉइंट है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या नाम था उसका और वो कहाँ का था? उसका नाम था लूना 10, वो रूस का था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव क्या है? पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी का उत्तर में स्थित भाग है, जो कि आर्कटिक महासागर में पड़ता है। तो यहाँ पर पहुँचने वाला जो प्रथम मानव था उसका नाम था रॉबर्ट पियरी, और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम मानव था उनका नाम था एमंडरसन, जो कि 1925 में गए थे वहाँ पर। दोस्तों, इनके बारे में एक बात विशेष ये है कि एमंडरसन जो थे वो खोज तो उत्तरी ध्रुव की ही करने लगे थे, जाने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी लोग पहुँच चुके हैं तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति बने। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे 21 जुलाई 1969 को। हमारा अगला पॉइंट है, विश्व की जलमार्ग से परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति, ये इनका नाम था मैगलन, पूरा नाम था इनका फर्डिनेंड मैगलन, जो कि पुर्तगाल के नाविक थे। इन्होंने विश्व की जलमार्ग से परिक्रमा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने। दोस्तों, आपको पता होगा कि पुर्तगाल के ही नाविक ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं कह सकते क्योंकि भारत तो बहुत प्राचीन है। पुर्तगाल के निवासी ने ही भारत के लिए, वास्को डी गामा ने भारत के लिए जल मार्ग की खोज की थी, वो भी पुर्तगाल के ही नाविक थे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डॉग एलिस, जो डॉग एलिस द्वारा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उनका नाम था नाओमी यमुरा, ये जापान के थे। हमारा अगला पॉइंट है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीन यात्री वो थे फाहियान। दोस्तों, फाहियान के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो आए थे भारत में, चीन से आए थे, इन्होंने भारत में जब गुप्त राजवंश चल रहा था उस समय ये भारत में आए थे, और ये उस समय भारत में जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। जो हमारा अगला पॉइंट है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वो थी वैलेंटिना तेरेश्कोवा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश वो था अमेरिका। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि भारत भी प्रयास कर रहा है दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा चंद्रयान पहुंचाने का, तो अमेरिका जो है वो पहला देश था जिसने चंद्रमा पर मानव को भेजा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर धीरे से उतरा तथा फिर पृथ्वी पर वापस आ गया वो था लूना 16, जो कि रूस का था, और रूस ने इसको भेजा 21 सितंबर 1970 को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति वो थे मेजर यूरी गागरिन, जो कि रूस के निवासी थे। दोस्तों, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी का ऑर्बिट इन्होंने पूरा किया था। इसलिए हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट
एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी इसको कि 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसको 12 अप्रैल को इसके रूप में मनाया जाता है। और ये सोवियत रूस के थे, यूरी गागरिन जो थे वो सोवियत रूस के थे, और पृथ्वी की कक्षा में इन्होंने 1 घंटा 48 मिनट 1 आवर 48 मिनट तक चक्कर लगाया था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया ने भी मंगलयान भेजा है, और हमारे पास जो 2000 का नोट है उसके ऊपर भी मंगलयान की फ़ोटो लगाई गई है। तो मंगलयान पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वो था वाइकिंग प्रथम, ये भेजा था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सम्राट कौन था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये 2019 में ये वाला प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया है। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सम्राट कौन था। तो ये थे, इनका नाम था सिकंदर, इनको कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये मकदूनिया के थे और ग्रीक प्रशासक थे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो दोस्तों चीन की यात्रा करने वाला प्रथम जो यूरोपियन था वो था मार्को पोलो। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, विश्व विलियर्ड्स अमेच्योर ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। यहाँ पूछा गया है कि प्रथम भारतीय कौन था, तो वो थे विल्सन जॉन्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री था एडवर्ड वाइट। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि चंद्रमा की सतह पर खोज करने वाली प्रथम मानव रहित चंद्र बग्घी। दोस्तों पूछा गया है कि मानव रहित चंद्र बग्घी क्या थी, तो उसका नाम था लूना खोद प्रथम। ये भी रूस ने ही भेजी थी। मैंने आपको पहले बताया कि जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो भी रूस का था, उसका नाम था लूना 16, जो कि 21 सितंबर 1970 को भेजा गया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम पुरुष कौन था, प्रथम भारतीय पुरुष कौन था। तो वो थे मिहिर सैन, इन्होंने 1958 ईस्वी में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति थे सन यात सेन। आते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम निग्रो खिलाड़ी जिन्होंने विंबलडन लॉन टेनिस की पुरुष एकल चैंपियनशिप जीती, तो उनका नाम था आर्थर एश, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, यूएसए के थे। इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी 1975 में। आते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। दोस्तों आपको पता होगा कि एवरेस्ट चोटी जो है दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल में स्थित है, और इस पर चढ़ने का श्रेय जाता है सबसे पहले शेरपा तेनसिंग एवं एडमंड हिलेरी को। इन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट चोटी पर पहुँचने का खिताब जीता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शेरपा तेनसिंग थे वो नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल के रहने वाले थे, और एडमंड हिलेरी जो हैं वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड के निवासी थे। और एक चीज़ इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो
तो ब्रिटेन के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं थे वो हैं रॉबर्ट वॉलपोल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो थे रिचर्ड निक्सन। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपने का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं तो उनको कौन नहीं जानता, वो है इमरान खान, जो कुछ भी नहीं होते हुए भी इंडिया पर बुरी नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल असफल कोशिश कर रहे हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि चंद्रमा पर उतरने वाली प्रथम मानव सहित सवारी कौन सी है, तो वो है ईगल। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर वापस आने वाला प्रथम अंतरिक्ष रॉकेट, जो कि चंद्रमा पर जाकर पृथ्वी पर वापस आया ऐसा प्रथम अंतरिक्ष रॉकेट वो है जॉन 5, ये भी रूस का ही था। आपने नासा संस्था का नाम सुना होगा, नासा जो है ये रूस की अंतरिक्ष से संबंधित संस्था है, और अगर भारत की बात करें तो इसरो। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम जो महिला है वो है श्रीमती जंकोदबा बेई, ये जापान की थी। और अगर हम बात करें भारत की, तो प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर पहुंची वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। इन्होंने 1984 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ है, और इनको पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मानों से भी नवाजा गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला है वो है भानु अथैया। इन्होंने जो है ड्रेस डिज़ाइन के लिए ये पुरस्कार जीता था, ड्रेस डिज़ाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला है वो है भानु अथैया। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि किसी देश की दो बार बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है श्रीमती सिरिमावो भंडार नाइके, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो है वो है मैडम क्यूरी। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि अंतरिक्ष में दो देशों के यानों का प्रथम मिलन, ये कब हुआ और किस किस देश के थे, तो ये थे अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट मिशन, ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, और सोवियत यूनियन, ये हुआ था 15 जुलाई 1975 को। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो ये हैं कल्पना चावला। दोस्तों कल्पना चावला जो हैं वो भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कहलाती हैं। ऐसा इसलिए कहलाती हैं, भारतीय भी और अमेरिकन भी, क्योंकि वो भारतीय मूल की थीं, और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था हरियाणा करनाल में, और ये पढ़ाई करने के लिए यूएसए गईं, और इनका जो इंटरेस्ट था वो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा था, और वहाँ जब इन्होंने वहाँ यूएसए में शादी की तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान में जो आपदा में 7 लोग मारे गए थे, तो उनमें से ये भी एक सदस्य थी। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो था 17 मार्च 1962 को, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 2003 में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की प्रथम महिला नेता और प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी श्रीमती मार्गरेट थेचर।
आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि इंदिरा इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आरती साहा गुप्ता जी। ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तैराक थी। इन्होंने जो इसको पार किया था वो किया था 1959 में, इस चैनल को पार किया था, और 1960 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि पाक जल मरुमध्य तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था वैद्यनाथ नाथ। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना पहुंचने वाले प्रथम दो यात्री। दोस्तों इतनी ऊंचाई होने के बावजूद, ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद, इन लोगों ने ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तो ये थे पीटर हैबलर, ये ऑस्ट्रियन थे, और पीन होल्ड मैसियट ये इटालियन थे। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो ये थे लीडर राकेश शर्मा। ये जब गए थे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्र बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो थे शेख मुजीब रहमान। तो इसके साथ ही इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।